मन्नू मूंगफली जी साहब, पैसे लाए हो क्या? जी साहब जी, ये लीजिए, ले लीजिए सर। क्या है ना सर कि आप एक दबंग थानेदार हैं, सब लोग तो आपसे डरते हैं, तो मैं भी आपसे सर डरता हूँ। सच को गिन लीजिए, ये पूरे 40,732 रुपए हैं। बराबर ही होंगे, कम पैसे देकर तूने अपनी मुसीबतें बढ़ानी है क्या मन्नू मूंगफली? अब मुसीबत तो तेरी बढ़ेगी भैया। हाथ में केला है तो मैंने कब का संतरा है? गन है मेरे पास, गन है, गन। अरे मैं एक पुलिस वाला हूँ, समझे तुम? तुम एक पुलिस वाले हो तो हम यहाँ दो पुलिस वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बैड कॉप हो, हम गुड कॉप। इंस्पेक्टर आदित्य देव, मन्नू मूंगफली से हफ्ता वसूल करने के इल्जाम में मैं तुझे अरेस्ट करता हूँ। मैं भी एवी रोड थाने का इंचार्ज हूँ, मनीष कुमार। तुम्हें ना कोई गलतफहमी हो रही है, समझे? तो हटाए से। गलतफहमी हो रही है किसे? हमें? तुम किसी गलतफहमी में मत रहना कि हम तुम्हारे पुलिस वाले होने का कोई लिहाज करेंगे। अरे हम इससे यहाँ पर बहस कर क्यों रहे? थाने ले चलते, वहाँ आराम से बैठ के थर्ड डिग्री में बातें होंगी। अबे ओ, थर्ड डिग्री बोल के किसे डर रहा है? ये मत भूल के मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं इसे कोई पैसे ले नहीं रहा था, बल्कि इसे जो पैसे दिए थे वही वापस ले रहा था। अरे बता रहे ए! 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 हर रिश्वतखोर यही कहता है, अब चल हमारे साथ चल। चल ट्रेजेडी देखिए, एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को लॉकअप में डाल दिया। तू सिर्फ पुलिस वाला नहीं है, पेट वाला भी है। कॉस्ट कटिंग के टाइम पर 13 केले खा गया तू, आदमी है कि हबशी? तो भूख लगती है इंसान को। तुम दोनों ने एक निर्दोष आदमी को लॉकअप में डाला है। अरे मैंने उससे हफ्ता नहीं लिया है। अरे तुम ही सोचो, मैं उससे 40,732 रुपए क्यों लेता? राउंड फिगर में 40,000 या 50,000 रुपए नहीं लेता, सोचो। ये हम सोच भी चुके हैं और ये बात हमें खटकी भी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी तो हो सकता है 40,732 तुम्हारा लकी नंबर हो। रिश्वतोलॉजी में भी आजकल न्यूमरोलॉजी घुस गई हो। और रिश्वत भी किससे मांगी तुमने? एक गरीब मासूम मूंगफली वाले से। अरे मन्नू मूंगफली कोई मासूम और निर्दोष आदमी नहीं है, वो एक नंबर का दो नंबर ही आदमी है। एक नंबर का दो नंबर ही आदमी है, ये बात तुमने अच्छी कही, मैं नोट कर लूंगा इसे, अच्छी लाइन है। मूंगफली का ठेला जो वो लगाता है वो तो उसका फ्रंट है, लेकिन असल में उसका धंधा कुछ और है। वो चिट फंड का बहुत बड़ा धंधा चलाता है। मेरी बीवी ने उसके पास कुछ पैसे लगाए थे और जब 2 महीने से मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली, मेरा हाथ तंग हो गया। मैं अपने पैसे वापस लेने के लिए उस मन्नू मूंगफली के पास गया, लेकिन उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, ठेंगा दिखा दिया। मैंने सोचा पुलिस का रोब दिखाकर उसे पैसे निकलवा लूंगा, लेकिन उस चालबाज ने मुझे ही चक्कर में फंसा कर रिश्वत के इल्जाम में हवालात में पहुंचा दिया। बात तो सही लग रही है, लेकिन लेकिन क्या, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो उस मन्नू मूंगफली का ना बैकग्राउंड चेक करवाओ। देखिए मनीष कुमार, ये हेडक्वार्टर है और यहाँ पर हर इंसान के पास एक समझदार हेड है। हम बाकियों से एक हेड आगे चलते हैं। एक हेड नहीं होता, एक कदम होता है। तो कदम आगे चलते हैं तो हेड भी आगे जाएगा ना? कदम आगे जाएगा तो हेड पीछे रह जाएगा, क्या ऐसा कभी होता है क्या? कमाल की बात कर रहा है यार तू। हमारा एक आदमी पहले से पूछताछ करने मन्नू मूंगफली के पास जा चुका है। वो मूंगफली लेकर आता ही होगा, वो रिपोर्ट लेकर आता ही होगा। आगो सर। हेलो। आगो सर। आगो। सर जी गर्मा गर्म मूंगफली खाओ, पूरी 2 रुपए लेके लाया हूँ सर। उकाना थोड़ी कड़की चल रही है ना हमारे। तुझे मूंगफली लेने भेजा था? नहीं ना, रिपोर्ट लेने भेजा था ना मन्नू मूंगफली की, तो रिपोर्ट दे। सर जी बहुत ही इमोशनल रिपोर्ट है सर। आदमी भले ही वो गरीब है सर, लेकिन बहुत ही मेहनती किस्म का इंसान है। उका करे दिन में तो मूंगफली बेचे और शाम को अखबार बेचे सर। ए, सुबह का अखबार शाम को कौन खरीदेगा? कमाल की बात करते हैं। सर जी इवनिंग न्यूज नाम को अखबार शाम को ही बिकेगा, सुबह तो बिकेगा नहीं। और सर बाकी एक बात तो बहुत ही जबरदस्त लगी मुको, उका करे मासूम बच्चा हमें ना छोटे छोटे गरीब से है ना लाचार से बच्चा, उनको फ्री में मूंगफली बांटे सर। फोन आगो, फोन आगो। हेलो
हेलो, हाँ बोलो। हम बे देखा क्या रिपोर्ट लेके आया हमारा आदमी? या तो ये हवलदार झूठा है या तुम तीनों लोग करप्ट हो। मनीष कुमार, जबान संभाल के बात कर। मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे या मेरे ऑफिसर्स पे इस तरह का घटिया इल्जाम लगाए। समझा? रिलैक्स यार, रिलैक्स। क्या कर रहा है यार? इतना गुस्सा नहीं होता है यार। ठंडे दिमाग से इन लोगों से ना ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। मैं करता हूँ। तू जा, पानी वानी पी, रिलैक्स। ठंडे दिमाग से, कूल। जबान संभाल के बात कर मनीष कुमार। मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कि तू मेरे या मेरे ऑफिसर्स पे इतना घटिया इल्जाम लगाए। समझा? कैसा लगा? कॉपीकैट। हाँ डॉक्टर साहब, ऑपरेशन की तैयारी कर लो। पैसान को इंतजाम है गोए। अरे कैसी बात अन्य कर रहे हो डॉक्टर साहब हैं? ये 1,00,000 रुपया को इंतजाम करना कौन सी बड़ी बात है हम पुलिस वाले के लिए? ये कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार? सब सेटिंग है गई है, आप तो तैयारी चालू करो। और हाँ, अम्मा के जब टाँके लो ना तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बता दे रहे हैं हम। गर्मी ने परेशान कर दिया यार। ये क्या कर रहा है मानव? यकीन नहीं हो रहा है यार, लंच के टाइम पे पानी पी के गुजारा करना पड़ रहा है। और इस बात पे भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा डीआईजी आराम खोर एक नंबर का रिश्वत खोर निकला। नहीं, अरे इस तरह लुक मत दे, आराम खोर कहा मैंने, आराम खोर। हर वक्त आराम करता रहता है तो यही कहूंगा ना उसे, आराम खोर। वैसे तुझे लगता है कि डीआईजी ने वो मनु मूंगफली को बचाने के लिए उसे रिश्वत ली होगी? देखिए यार, मैं 100% गारंटी के साथ तो कोई भी चीज नहीं कह सकता, इसलिए मैंने वो मनु मूंगफली की इन्वेस्टिगेशन के लिए बोस को भेजा है। पता नहीं अब क्या खबर लाता है, देखते हैं। आराम से, क्या हुआ क्या हुआ हुआ क्या? पर इसे देख के तो लग रहा है जैसे इसके शरीर में खून की कमी हो गई है। भाई हम यहाँ पर पानी पी के गुजारा कर रहे हैं, अब इसे खून कहाँ से पिलाएंगे हम? ये मेरा पानी पियो। थैंक यू सर। क्या ना सर, चौक से पैदल चल के आ रहा हूँ ना तो थोड़ी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। पैदल क्यों आए तुम? नहीं गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बस के पैसे तो दिए थे ना। हाँ सर, पैसे तो आपने दिए थे, लेकिन उन पैसों से मैंने वड़ा पाव खाया और यहाँ अपने पाव पे चल के आया। 1-3 से 2 शिकार कर दिए। अब तो मेरे हाथों का शिकार होगा बॉस। तो जिस काम के लिए भेजा था वो काम किया? किया ना। ये मन्नू मूंगफली की दुकान के पीछे बहुत सारे टेलीफोन और इंटरनेट के वायरों का जाल बिछा हुआ है सर। ये मन्नू मूंगफली अपनी दुकान के अंदर लैपटॉप पे काम कर रहा था। आप ही सोचिए सर, एक मूंगफली वाला अपने लैपटॉप पे क्या काम कर सकता है? अरे हो सकता है कि वो मूंगफली की कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डाउनलोड कर रहा हो, या फिर मूंगफली का ऑनलाइन ऑर्डर लेके मूंगफली को अपलोड कर रहा हो। अरे तो नए भारत का मूंगफली वाला, ये तो अच्छी बात है यार। तू अपना पुराना मुंह बंद रखेगा। अब उस तुम कुछ कह रहे थे सर? क्या है, मैंने देखा कि लोग मन्नू की दुकान पे आके उसको नोटों की गड्डियां दे रहे थे और ये मन्नू उनको रिटर्न में 5 रुपए की मूंगफली का एक पैकेट दे रहा था सर। नोटों की गड्डी के बदले 5 रुपए का मूंगफली का पैकेट, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कुछ बोस? हाँ सर, मैंने और भी एक अजीब सी आदत इसकी नोटिस की सर। तो उसने अपने दुकान में अपने ठीक सामने AB की फोटो लगा रखी है और जब भी कोई आदमी उसको आके नोटों की गड्डी देता था तो वो मन्नू वो फोटो उठा के AB के फोटो को मुआ करके किस दे देता था। अमिताभ बच्चन सर का इतना बड़ा फैन है कि उनकी फोटो चूमता है? नहीं, AB मतलब अमिताभ बच्चन सर नहीं, AB मतलब अहल्या भट्ट। इसका मतलब वो अहल्या भट्ट का फैन है। Wow! Wonderful! Beautiful! Excellent! Devastating! Location! I'm proud of you, cameraman! क्या कमाल का location पे तुम लेकर आए हमको? भाई साहब, 10 रुपए की मूंगफली दो ना।
अच्छा ब्रदर जल्दी देना यार, क्योंकि यहाँ पर है ना शूटिंग होने वाली है। शूटिंग? शूटिंग? हाँ हाँ शूटिंग, फिल्म की शूटिंग। वो देखिए हमारे डायरेक्टर साहब, देखिए फिल्म की शूटिंग की तैयारियां कर रहे हैं। अहिल्या भट्ट के साथ कोई नया हीरो आ रहा है। अहिल्या भट्ट? अहिल्या भट्ट? अरे 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 मूंगफली तो दे दो। अरे भैया तुम्हें जो चाहे उठा लो, हम अहिल्या जी से मिलने जा रहे हैं। आप कैमरामैन है? नहीं नहीं मैं पोस्टमैन है। जस्ट किडिंग किडिंग, ऑफ कोर्स आई एम कैमरामैन। नहीं मैं कह रहा था जो आप इस तरह की फिल्म बना रहे हैं तो मोबाइल से इस तरह की फिल्म कहां बनती है? मोबाइल मोबाइल क्या है कि बड़ा कैमरा से 35mm और 70mm का फिल्म बनता है। हमारा फिल्म 7mm का है, इसलिए 7MP का कैमरा से बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि जब फिल्म बनती है ना वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं और बड़ी बड़ी बसें खड़ी होती हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या ना ये आम ऐसे मसाला हिंदी फिल्म नहीं है, एकदम अलग है, अलग। इंडिया की पहली बिग स्टार स्मॉल बजट फिल्म है ये। ओए अभी तुम थोड़ा चुप हो जाओ, देखो अहिल्या जी आ रहा है। लेकिन सर अहिल्या जी ने घूंघट क्यों रखा है? बाबा इस फिल्म का टाइटल है घूंघट उठा के, एकदम रियलिस्टिक फिल्म है। इस फिल्म में अहिल्या जी फिल्म के एंड में घूंघट उठाएगी। देखो तुम डिस्टर्ब मत करो, काम करने दो, काम करने दो। सर आखिरी सवाल प्लीज। साथ में है, कितना सवाल पूछता है यार। सवाल पे सवाल पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। सर ये अहिल्या जी इतनी मोटी क्यों दिख रही है? तुम हमको देखो, देख रहे हमको, देख रहे अभी अभी रुको तुम। ये देखो तो समझ में आया, इसको बोलते हैं फोटोशॉप। फिल्मों में जैसा लोग दिखता है वैसा होता ना है। ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है। देखो भाई इतने ज्यादा सवाल मत, जो बना बवाल मच जाएगा, हमको हमारा काम करने दो। ओके भाई आगे आगे आए अहिल्या जी, आगे आए आए सर। अहिल्या जी हेलो। ए रामू कैसा है? डायरेक्टर सर व्हाट्स दिस? आई मीन मुझे पता है कि मेरी फर्स्ट फिल्म है, लेकिन इस तरह से आप रामू को मामू नहीं बना सकते। जब हमने पिक्चर साइन की थी तो आपने कहा था कि हम स्विट्जरलैंड की वादियों में, कश्मीर की घाटियों में और दुबई मॉल में शूटिंग करेंगे। नो नो नो, इट्स नॉट हैपनिंग। आफ्टर ऑल मैं आपकी फिल्म का हीरोज हूं, हीरोज। अगर तुम इस फिल्म का हीरोज है तो मैं राइटर्स भी हूं, डायरेक्टर्स भी हूं। फिल्म तो इधर ही शूट होगा, कैमरा इधर लगेगा, लाइट उधर लगेगा, एंड एक्शन। मैं इस जगह पे शूटिंग नहीं करूंगा। आई एम गोइंग रिक्शाज। कुछ नहीं मिल रहा, मैं वॉकिंग जाऊंगा, बट आई एम गोइंग। जाओ चल के जाओ। कोई जरूरत नहीं है उसको रोकने का। नहीं चाहिए हमको ऐसा हीरो अपना फिल्म को ले आए। मैं आज के आज अपने फिल्म को लिए एक नया हीरो ढूंढेगा और उसको बनाएगा सुपरस्टार। सब बेकार का बात करने में मेरे को सर दर्द हो गया। डायरेक्टर सर को कोई सरदर्द की गोली दे दो। डायरेक्टर सर का सरदर्द गोली खाने से नहीं जाता है, मूंगफली खाने से जाता है। ओ रियली? यहाँ पे कोई मूंगफली वाला है क्या? प्लीज सर को मूंगफली दे दो। है ना मैं हूँ, मैंने क्या कहा। मैडम जी मैं मन्नू मूंगफली मूंगफली लाया हूँ, छील के दूँ? मुझे नहीं, डायरेक्टर सर को दे दो। जी 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 जी, जी। सर जी सर मूंगफली। थैंक यू, तुम हमारे। मिल गया। लुक्स में रणवीर, एटीट्यूड में रणवीर,
कमाल का हाइट मसल एकदम टाइट इसका इसका हमारा नया हीरो का मानो मूंगफली हमारा फिल्म का सुपरस्टार मैं फिल्म का हीरो अब तुम देखो हम तुमको इंडिया का जैकी श्रॉफ बना देगा लेकिन सर जैकी साहब तो पहले इंडिया का हो रखा है छीन के दूं नहीं नहीं सर ने जैकी श्रॉफ नहीं जैकी चैन कहा चैन अच्छा लेकिन ये कौन है तुम बहुत सवाल पूछते हो अरे जैकी चैन को मारो गोली तुम अपने बारे में सोचो अपने बारे में सोचो देखो तुमको कितना बड़ा चांस मिल रहा है अहल्या मैडम के साथ में फिल्म करने का तुम तो एकदम रातोंरात स्टार बन जाएगा सर हमको तो यकीन ही नहीं होता कि हम अहल्या जी के साथ काम करेंगे छीन के दूं तुम स्टार है स्टार कल का सुपरस्टार है तुम इस फिल्म का हीरो है तुम सिर्फ अहल्या जी के साथ काम नहीं करेगा अब तो अहल्या जी के साथ दोस्ती भी कर सकता है फ्रेंड्स फ्रेंड्स क्लाइमेक्स के पहले घूंघट टूटाने की कोशिश मत करना अरे यहाँ का पंखा कब चलेगा यार अरे अरे जय हिंद सर जय हिंद जय हिंद ये सब क्या है पार्ट टाइम नाटक कंपनी ज्वाइन कर लिया क्या नहीं सर आपको कोई गलतफहमी हुई है हमने पार्ट टाइम कोई नाटक कंपनी नहीं बल्कि एक केस को सॉल्व करने के लिए हम ये सब नाटक कर रहे हैं ओहो अच्छा अच्छा उसके लिए एक बात बताऊं मैम हम जो नेता हैं उनको भी बड़े नाटक करने पड़ते हैं और जब इलेक्शन का वक्त आता है ना तब तो ड्रामा फेस्टिवल होता है दिल दीवाना है दिल्ली जाना है लेकिन आपको नाटक करने का चंदा मिलता है ना सर लेकिन हम ये सब जो कर रहे हैं सर अपने खुद के खर्चे पे अपने पर्सनल खर्चे पे कर रहे हैं सर मेरी ऑलरेडी खाली जेब कितनी ज्यादा खाली हो गई है सर मैं बता नहीं सकता हूँ आपको सर पता है ये सुंदरी के लिए घूंघट चाहिए था तो मैं अपनी बीवी का घूंघट उठा के लेके आया क्यों शादी के वक्त नहीं उठाया था कि अब उठा के लेके आया चलो चलो जाने दो मुझे बताओ क्या प्रोग्रेस है क्या रिपोर्ट है एक्चुअली सर मनु मुंबली की शिकायत पर हमने इंस्पेक्टर मनीष कुमार को रिश्वत लेने के इल्जाम में हिरासत में लिया था लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें कुछ ऐसे क्लू मिले जिससे ऐसा लग रहा है कि मनु मुंबली एक फ्रॉड आदमी है और उसने मनीष कुमार को फंसाया है सर ये सब बातें तो होती रहेगी सर पहले आप ये बताइए ना गूगल सर का कोई मैसेज आया दिल्ली से सैलरी कब मिलने वाली है अरे यार ऑफिस के केस तो तुमसे सॉल्व हो नहीं पा रहे हैं खुद का केस लेके बैठ गया तू मिल जाएगी भाई कहीं नहीं जाएगी सैलरी सैलरी कहीं नहीं जाएगी लेकिन मैं तो चला जाऊंगा ना ये बैंक वालों के डर से उड़ी बबरे रखो क्या है बैंड बजा बारात क्या अंदर घुसे चले आ रहे हो कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए हेलो सर माय सेल्फ विजय वर्मा मैं लोन रिकवरी एजेंट हूँ तो जाकर लोन रिकवर करो यहाँ क्या डिस्कवर करने आए हो हेलो वैसे भी मुझे कोई लोन नहीं चाहिए थैंक यू वेरी मच सर मैं लोन देने नहीं आया हूँ लोन वापस लेने आया हूँ तो मैंने कौन सा लोन लिया है हाँ कल केले वाले से केला उधार पे लिया था लेकिन वो तो केले वाले से लिया था ना तुमसे क्या लिया मैंने क्या लिया तू केला उधार पे लेता है कभी कभी आपने नहीं लिया सर लेकिन मिस्टर पीके बोस ने तो लिया है ना अच्छा बोस ने लिया है तो बोस से बात करो ना वो है टेबल की टेबल पे आमने सामने बैठ के एक दूसरे से बात करो और ये मामला सुलटाओ जैसे करना है करो उसके साथ बात करो देखिए आपके पैसे आपको मिल जाएंगे उसे रिक्वेस्ट मैं करूंगा ठीक है सर ऐसे बेशरम और बेहया लोग किसी की रिक्वेस्ट नहीं मानते हैं इसीलिए हम ऐसे बेशरम और खुदगर्ज लोगों के लिए ऐसा बैंड बजवाते हैं ताकि उनकी पूरे शहर में बदनामी हो